हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत की आज की न्यू अपडेट के बारे में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्कूलों को लेकर। तो स्कूलों में यहाँ पर अब गीता, वेद और उपनिषद ये पढ़ाए जाएंगे। तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि प्रदेश के स्कूलों में जो है यहाँ पर वेद है, उपनिषद, गीता और यहाँ पर जो है इसकी भी शिक्षा यहाँ पर दी जाएगी। और इसके लिए यहाँ पर जो है आम लोगों से यहाँ पर सुझाव लिए जाएंगे। और यह बात जो है शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शनिवार को दून विश्वविद्यालय में जो है बाल आयोग की ओर से यहाँ पर आयोजित परीक्षा पर विचार कार्यक्रम में आप कही। और शिक्षा मंत्री ने परीक्षा से यहाँ पर पूर्व बच्चों को जो है मनोवैज्ञानिक परामर्श दिया जाना जरूरी है ऐसा भी कहा। और उसके लिए यहाँ पर जो है अभिभावकों को भी जागरूक करना पड़ेगा कहा गया। और वहीं बात करें यहाँ पर वित्तीय अनियमितताओं में यहाँ पर जो है दो अवसरों से यहाँ पर जो है होगी वसूली, एक की जो है वेतन वृद्धि। और वहीं बात करें यहाँ पर प्रदेश में जो है जल्द शुरू होगी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय धामी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्य में जो है अब राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो है जल्द यहाँ पर शुरू होगा। और इसको लेकर जो है मुख्यमंत्रियों व जो है अब उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की जो है अब संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर सीएम बोले। और वहीं बात करें यहाँ पर तबादला, तो यहाँ पर देख सकते हैं रिकॉर्ड अपडेट तो यहाँ पर करने को लेकर जो है 4 तक जो है वक्त दिया गया है। और सोमवार से जो है हर विभाग में बनने लगेंगी तबादलों की कमेटी। तो यहाँ पर जो है सोमवार से जो है तबादलों की जो कमेटी है बनना शुरू हो जाएगा। और वहीं बात करें अशासकीय स्कूलों को लेकर, तो यहाँ पर देख सकते हैं शासकीय स्कूलों के जो शिक्षक हैं उनको 3 महीने से यहाँ पर नहीं मिला है वेतन। तो प्रदेश के जो है अशासकीय स्कूलों में लगभग 20,000 शिक्षकों को और कर्मचारियों को यहाँ पिछले 3 महीने से यहाँ पर इनका वेतन नहीं मिला है। और उत्तराखंड के माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रांतीय अध्यक्ष अनिल शर्मा ने यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर इसके मुताबिक जबकि शिक्षा मंत्री ने जो है संगठन को जो है तय समय पर जो है वेतन देने का आश्वासन दिया था और उन्होंने कहा कि सरकार उनके साथ यहाँ पर दोहरा व्यवहार कर रही है। वहीं राज्यकर्मियों को यहाँ पर मिलेगा 3% जो है डीए और इसकी जो फाइल है वो तैयार कर दी गई है। और मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलते ही यहाँ पर जो है अगले हफ्ते जो है जारी हो सकता है आदेश। और यहाँ पर जो है 34% हो जाएगा डीए और 5,000 रुपये का जो है यहाँ पर होगा फायदा। और वहीं बात करें यहाँ पर CUET के लिए यहाँ पर जो है लगभग जो है 4,71,000 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन कर लिया गया। तो प्रदेश में जो यहाँ पर देखते हैं कि अलग अलग प्रदेशों में जो है यहाँ पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर आवेदन किए गए हैं। और देश भर में लगभग जो है 11 लाख छात्रों ने यहाँ पर स्नातक मेडिकल प्रोग्राम में जो है यहाँ पर नीट 2022 के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया गया है। जबकि यहाँ पर जेई मेन्स के लिए यहाँ पर जो है 9.60 लाख आवेदन यहाँ पर मिले हैं। और वहीं बात करें उत्तराखंड के ब्रिज कोर्स को लेकर, तो यहाँ पर देखते हैं जो बीएड ब्रिज कोर्स वाले हैं उनका कहना ये है कि बेरोजगारों ने यहाँ पर कहा कि शिक्षक भर्ती में इनकी जो है मांगी एंट्री है। तो शिक्षक भर्ती में जो है इनको एंट्री मिलनी चाहिए इस तरह का कहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित बेरोजगारों ने यहाँ पर जो है सरकार से NIOS से DLED के समान जो है बेसिक शिक्षा भर्ती में जो है शामिल करने की यहाँ पर मांग की है। और हाईकोर्ट ने जो है NIOS से यहाँ पर जो है DLED को बेसिक शिक्षा भर्ती में जो है शामिल करने के आदेश दिए हैं। और ब्रिज कोर्स भी यहाँ पर जो है NIOS ने यहाँ पर जो है DLED कोर्स के साथ किया है। और शनिवार को जो है BEd जो ब्रिज कोर्स अभ्यर्थी हैं प्रशिक्षित बेरोजगारी संगठन की यहाँ पर जो वर्चुअल बैठक में यह मांग की गई है। और इस दौरान प्रदेश के सुरेंद्र सिंह राणा उनके नाम लिखे गए हैं। तो इनका कहना है कि समकक्ष मानसी इनकी जो भर्ती शामिल करनी चाहिए। और वहीं यहाँ पर अनदेखी पर जो है आंदोलन की चेतावनी, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आंदोलन करने वाले हैं बेसिक से यहाँ पर जो है LT कैटर के जो समाजित पदोन्नति शिक्षक है उनको जो सरकार से चयन पदोन्नति वेतनमान की विसंगति दूर करने की यहाँ पर मांग करी है। और उन्होंने यहाँ पर कहा कि जो शिक्षा हाईकोर्ट से अपने पक्ष में जो है फैसला ला रहे हैं उन्हें जो है शिक्षा लाभ दे रहा है। और लेकिन जो बाकी समान योग्यता वाले शिक्षक हैं उनकी अनदेखी यहाँ पर की जा रही है। और राजकीय LT समाज पदोन्नत शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जो कि दिगंबर फुलेरिया ने कहा कि यदि इस विषय पर जल्द निर्णय नहीं हुआ तो यहाँ पर जो है शिक्षक आंदोलन जो है छेड़ने को मजबूर होंगे। तो यहाँ पर आंदोलन करने की बात कही गई है इनके द्वारा। और वही बात करें यहाँ पर UPCL की जो है प्रोफेशनल परीक्षा स्थगित की, तो यहाँ पर देखते हैं कि उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि UPCL की जो है 1 मई को यहाँ पर जो होने वाली प्रोफेशनल परीक्षा स्थगित कर दी गई है। और यह परीक्षा जो है यहाँ पर सेंट जोडिस स्कूल में यहाँ पर आयोजित की जानी थी। अब परीक्षा जो है इंजीनियरिंग के लिए आयोजित की जा रही थी, तो अब ये परीक्षा स्थगित कर दी गई है। और वही बात करें उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर, तो पौड़ी जनपद के द्वारा यहाँ पर जो है सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय में रिक्त पदों की जो है आपूर्ति हेतु वर्ष 2020 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार यहाँ पर सामान्य भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जो है अवशेष जो पद हैं उसके और यहाँ पर बैकलॉग अनुसूचित जाति के अंतर्गत जो यहाँ पर
पद रिक्त पद हैं उनकी जो सूची है वो जारी कर दी गई है। इसके लिए 5 मई 2022 को यहाँ पर 11 बजे जो है कार्यालय पर उपलब्ध कराने की बात कही है। इसमें लगभग जो है 200 के करीब जो है अभ्यर्थियों के नाम आपके आए हुए हैं, और साथ में ये भी कहा गया है कि पूर्व में जो अभ्यर्थी उपस्थिति, और वहीं बात करें उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर न्यू अपडेट के बारे में, इसमें विज्ञप्ति आप लोग देख सकते हैं कि पौड़ी जनपद में सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय में जो है रिक्त पदों की जो आपूर्ति हेतु वर्ष 2020 में जारी की गई जो विज्ञप्ति थी उसमें यहाँ पर सामान्य भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत अवशेष रिक्त पद और वहीं यहाँ पर जो बैकलॉग थे आपके अनुसूचित जाति के जो रिक्त पद थे उनकी सूची यहाँ पर विभागीय वेबसाइट यहाँ पर जो है जारी कर दी गई है। और अभ्यर्थियों से यहाँ पर कहा गया अपने समस्त मूल जो शैक्षिक और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र हैं उनको 5 मई तक जो है आपको प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। और साथ में ये भी कहा गया है कि पूर्व में अभ्यर्थियों की जो है उपस्थिति की अति न्यूनता के दृष्टिगत जो है कुछ विषयों में जो है एक पद के सापेक्ष जहाँ पर एक से अधिक अभ्यर्थियों को जो है यहाँ पर अवसर प्रदान किया गया था, यानी कि एक से अधिक अभ्यर्थियों यानी कि लगभग जो है 2 या 3 गुना बुलाए गए हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर लिस्ट में लगभग जो है 200 या 250 के करीब जो अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया गया है। और इसमें जो है आप लिस्ट में चेक कर लेना क्योंकि यहाँ पर लगभग जो है क्योंकि कई लोग छोड़ दे रहे, तो इसी वजह से यहाँ पर जो है 2 गुने या 3 गुने अभ्यर्थियों को बुलाया गया हुआ है। और इसमें जो है यहाँ पर वरीयता क्रम में जो है अभ्यर्थी के जो है उपस्थित ना होने पर जो है यहाँ पर अन्य अभ्यर्थियों को जो है अवसर प्रदान किया जाएगा, अगर वो लोग वहाँ पर उपस्थित नहीं होंगे तो अन्य वालों को दिया जाएगा यहाँ पर कहा गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की यहाँ पर अंतिम तिथि 3 मई तक, तो यहाँ पर जो है SSA परिसर की ओर से जो है सेमेस्टर प्रथम सेमेस्टर में जो है यहाँ पर छात्र छात्रों की परीक्षा के लिए यहाँ पर जो है ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 3 मई कर दी गई है। और यहाँ पर जो है विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक सुशील कुमार जोशी ने जो है यह जानकारी दी है। और वहीं बात करें यहाँ पर BEMS और DES की परीक्षा यहाँ पर 9 मई से, तो यहाँ पर जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो है EH मेडिसिन नई दिल्ली द्वारा संचालित जो वर्ष 2022 में, इसकी परीक्षा जो है 9 मई से शुरू होनी है और इसको लेकर जो है अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं। और वहीं बात करें उत्तराखंड में जो है यहाँ पर अस्थायी तौर पर जो यहाँ पर प्रवक्ता पदों पर निकली भर्ती, इसके लिए यहाँ पर जो है आप आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आप लोग देखते हैं राजकीय स्नातक महाविद्यालय जो है डाकपत्थर है, इसमें जो है प्रवक्ताओं के रिक्त पदों की सापेक्ष यहाँ पर 15,000 रुपये यहाँ पर अस्थायी तौर पर यहाँ पर दिया जाएगा। और इसके लिए यहाँ पर 250 रुपया जो है प्रतिवाद के हिसाब से दिया जाएगा और NCT के मानक होने चाहिए। इसमें जो है प्रवक्ता सामाजिक अध्ययन है, भौतिक विज्ञान है, और प्रवक्ता जीव विज्ञान है, गणित है, सबकी एक एक पोस्ट है, 5-5 तक यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और वही बात करें उत्तराखंड में यहाँ पर पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड यानी कि UPNL में जो है यहाँ पर विभिन्न जिलों में रिक्त पदों पर जो है नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और UPNL द्वारा यहाँ पर जो है नियुक्तियाँ पिथौरागढ़ है, अल्मोड़ा है, नैनीताल है, उधमसिंह नगर है, बागेश्वर है, इन जिलों में जो है विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर जो है नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो आवेदन से संबंधित जो सभी जानकारी आपको यहाँ पर, इसकी विस्तृत जानकारी आपको इसकी जो अधिकारिक वेबसाइट है वहाँ पर देखने को मिलेगा, वहाँ से अब आप आवेदन कर सकते हैं। बात करें आज के जॉब अपडेट को लेकर, तो एम्स में जो है आवेदन के लिए बोले गए हैं, जिसमें यहाँ पर 413 पदों के लिए सीनियर रेजिडेंट और यहाँ पर सीनियर डेमोस्ट्रेशन के पदों पर भर्ती के लिए 45 वर्ष की आयु रखी गई है। साथ ही यहाँ पर जो है नैनो विज्ञान एवं प्रशिक्षण संस्थान यहाँ पर जो है वैज्ञानिक JB की पोस्ट के लिए 17 मई तक आवेदन कर सकते हैं, इसकी साइट यहाँ पर जारी किया गया है। और बिहार जो है रेजिमेंटल सेंटर में भी यहाँ पर जो है कुक है, सफाई कर्मी आदि पदों की भर्ती के लिए है, इसकी ऑफिस साइट यहाँ पर IndianArmy.NIC.in यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। और भी यहाँ पर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से भी आपको DRDO में पोस्ट मिली है, 4 मई तक इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। कि आर्मी पब्लिक स्कूल हेमपुर, तो हेमपुर आपके उत्तराखंड में है जो कि आपकी काशीपुर की नियरेस्ट पड़ेगा, तो यहाँ पर जो है वैकेंसी निकल के आ रखी है, जिसमें आपको ठीक है देख सकते हैं PGT अगर बात करूँ तो 3 शिक्षकों की वैकेंसी निकली है, जिसमें आपकी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और केमिस्ट्री है, तो 3 पदों पर जो है PGT की निकली है। और इसके लिए आपके पास BEd होना चाहिए और साथ में आपके पास 50% होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन इन सब्जेक्ट में, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। साथ ही यहाँ पर TGT अगर बात करूँ तो TGT में हिंदी में 2 पोस्ट यहाँ पर हैं और 1 पोस्ट आपका यहाँ पर रहेगा संस्कृत में, और 2 पोस्ट आपकी SST में है। इसके लिए आपके पास BEd होना चाहिए, UTET और CTET ये भी होना कंपलसरी है, ठीक है, तो 60% मार्क होने जरूरी हैं आपके पास UTET या CTET में, और साथ में आपके पास BEd के साथ आपकी ग्रेजुएशन में 50% होने कंपलसरी हैं, तो ही आप अप्लाई कर पाओगे। और नेक्स्ट भर्ती है जो कि आप PRT में है, एक ही शिक्षक की भर्ती है, जिसमें आपके लिए DLED और BEd दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, CTET और UTET अप्लाई अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, 60% होने चाहिए और 50% आपके DLED BEd में जो ग्रेजुएशन और आपके इंटर में है वो होने चाहिए। और इसके लिए यहाँ पर जो है 1 अप्रैल 2021 को यहाँ पर कैंडिडेट की जो यहाँ पर है
कम से कम जो है 40 साल तक जो है एज रहेगी। बाकी जो गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन के हिसाब से 5 साल 10 साल छूट मिलती है वो आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपका आईटी सुपरवाइज़र, यहाँ पर एक पोस्ट इसके लिए भी निकली है जिसके लिए आपके पास यहाँ पर एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटरिंग एंड हार्डवेयर, ठीक है, विद नॉलेज ऐसे लिखा गया है, तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। साथ में जो है स्पेशल एजुकेटर की भी पोस्ट निकली है जिसके लिए आपके पास बीएड होना ज़रूरी है और 1 ईयर डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन ये भी लिखा गया है, तो आपके पास ये होना चाहिए। इसके लिए भी आपके पास लगभग जो है 40 वर्ष रखा गया। बाकी जो ज़्यादा एज हो चुके हैं जिसके पास यहाँ पर जो है आपके वो मिलता है, छूट मिलती है, वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है फ्रेश कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रखा गया 40 साल तक, बाकी जो एक्सपीरियंस उनके लगभग जो है 57 रखा गया है, ठीक है। और इसके लिए आप इसकी जो ऑफिशियल साइट है ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर aps.hempur.in, ठीक है, इन यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि ये आपको फॉर्म का फॉर्मेट जो है ऑनलाइन आवेदन करना, ठीक है, वो डाउनलोड करके फॉर्म फिल करना पड़ेगा और उसको यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके आपको भेजना पड़ेगा। और 100 रुपये का आपके पास यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट लगेगा और ये भी होगा आपके पास प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल हेमपुर के नाम पे आपको होगा, जो कि PNB के नाम से लगेगा, ठीक है। और लास्ट डेट फॉर्म सबमिट करने की 20 मई है, 20 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं। प्रिंटआउट निकालना है, चालान लगाना है, चालान में सारे डॉक्यूमेंट भरने और लिफाफे में आपको इसी एड्रेस पे भेजना है, हेमपुर के एड्रेस पे, और 20 मई तक का समय दिया गया है। और इंटरव्यू आपका होगा, टेंटेटिव डेट दे रखा है यहाँ पर 30 31 मई, ठीक है, 30 या 31 मई में कभी भी आपका हो सकता है। और बाकी आपका ये फॉर्म फिल का करने का ऑप्शन है, बाकी अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। कई लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पर AWES वाला रूल यहाँ पर जो है लगेगा, लेकिन यहाँ पर सैलरी के बेस पर रहेगा, ठीक है, जो उनको सैलरी मिलती है वही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर सर्टिफिकेट को लेकर कोई भी ऐसा नहीं कि AWES जिनका स्कोर कार्ड होगा उनको चलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं इन पदों के लिए।